हेलो बच्चों, आज हम सभी आरोही और अवरोही संख्या से संबंधित एक गतिविधि करेंगे। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। और अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। देखो ये संख्या कार्ड रखे हुए हैं, जिस बच्चे को बुलाया जाएगा और यदि आरोही बोला जाएगा तो आरोही क्रम में आपको संख्याओं को व्यवस्थित करना है, और यदि अवरोही बोला जाएगा तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सभी बच्चे रेडी हैं? ओके, सबसे पहले आ जाएं सुधा। सुधा ये संख्या काट लीजिए और इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 11। बहुत बढ़िया, 12। क्या बात है? 13। उसके बाद 14, 15, 20। दो मिनट सुधा के लिए क्लैपिंग करिए। देखो संख्याओं को सुधा ने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। सबसे पहले 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, ऐसे ऐसे 20 तक कर दिया। ठीक है, इसके बाद आएंगी काव्या। काव्या ये संख्या काट लीजिए और इनको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, है ना। कर दे बाद में सही कर देना। गलत कोई बात नहीं, तुम करो, ढूंढ लो ना। सबसे छोटी कौन सी है? लगाई, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो काव्या को जब संख्या कार्ड दिए गए थे उसमें 25 था, 26, 27, 32, 33, 38, 42, 43, 48 और 53। इन्होंने देखो सही संख्या कार्ड व्यवस्थित किया है, आरोही क्रम में है। बहुत बड़े काव्य के लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद भूमि। ये संख्या कार्ड लीजिए और इनको आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ी संख्या और उसके बाद छोटी, ऐसे करते हुए, है ना। बहुत करिए। भूमि को संख्याएं दी गई थी, उसमें थी 20, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 6, 5 और 4, और भूमि ने इसको और वही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। बहुत बढ़िया। इसके बाद आएंगी प्रिया। प्रिया ये संख्या काट लीजिए और इनको आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, है ना।
अवरोही मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ी सबसे पहले देखिए